स्टूडेंट, टुडे वी लर्न आवर पेज नंबर 149. सो इन दिस आवर न्यू टॉपिक माय बेल्ट इज लॉन्गेस्ट. तो टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड वाइड 9 सेंटीमीटर. ओके, क्या कि एक थिक पेपर शीट लो, उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वाइड यानी कि पहुड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए. यू कैन ऑल्सो यूज़ एन ओल्ड पोस्ट कार्ड. आप ओल्ड जो पोस्ट कार्ड होता है वो भी यूज़ कर सकते हो. तो व्हाट इज़ दिस एरिया, उसका एरिया क्या है, और व्हाट इज़ इट्स पैरामीटर, उसका पैरामीटर क्या है. सो एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू, ओके, पहला एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी. ओके, तो 14 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है, 14 मल्टीप्लाई 9 126 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड उसका पैरामीटर फाइंड करना हो तो पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी. ओके, तो 2 इन ब्रैकेट 14 प्लस 9. तो 14 प्लस 9 क्या होता है, करो काउंट, 14 प्लस 9 आपको ऐसे प्लस करना है, 13 का 3 कैरी 1 1 1 2, 23 एंड इन ब्रैकेट 2. ओके, तो 23 टू जा क्या होता है, 3 टू जा 6, 2 टू जा 4 यानी कि 46 सेंटीमीटर. क्या होता है, 46 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है, नाउ कट अ स्ट्रिप ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट. तो क्या करना है, स्ट्रिप 1 सेंटीमीटर वाइड. ओके, तो 1 सेंटीमीटर की आप लो तो इट्स लेंथ 9 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 126 एंड इस पैरामीटर 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी. तो क्या होगा, एल कितनी मिली आगे, 126 प्लस 1. ओके, तो 126 टू जा 254 सेंटीमीटर. एंड सेकंड है स्ट्रिप ऑफ 1.5 सेंटीमीटर. एक स्ट्रिप 1 सेंटीमीटर की लो और दूसरी स्ट्रिप 1.5 सेंटीमीटर की लो. तो इट्स लेंथ इज 6 मल्टीप्लाई 40. ओके, 6 मल्टीप्लाई 14 तो क्या होगी लेंथ है उसकी, तो 84. उसका पैरामीटर फाइंड करना हो तो 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी. तो 2 इन ब्रैकेट एल है कितनी, 84 प्लस 1.5 तो क्या होगा, 171 सेंटीमीटर. ओके, अब है स्ट्रिप ऑफ 3 सेंटीमीटर. तो अगर 3 सेंटीमीटर की लो तो 3 मल्टीप्लाई 40. ओके, 3 मल्टीप्लाई 40 तो क्या होगा, 42 सेंटीमीटर. सो 2 इन ब्रैकेट पैरामीटर फाइंड करना हो तो 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी. तो 2 इन ब्रैकेट 42 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. 42 प्लस 3 यानी कि 45. 45 टू जा 90 सेंटीमीटर. ओके, सो वी कैन से दैट द बेल्ट इज लॉन्गेस्ट विच हैज़ द मिनिमम ब्रेथ. लेंथ ऑफ माई बेल्ट इज 42 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज 90 सेंटीमीटर. सो माई फ्रेंड्स बेल्ट हैज़ 1 सेंटीमीटर वाइड, सो हिज बेल्ट इज द लॉन्गेस्ट. ओके, नेक्स्ट है, वाई डिड यूजिंग टेप फॉर स्ट्रिप एंड टू एंड मेक अ बेल्ट. तो वो हमने किया, राइट. नेक्स्ट है डिस्कस why did some of your friends get longer belt than other. So some of my friends got longer belts than other because they made belts from thinner strip than others. Is the area of your belt the same as the area of the post guard? Why or why not? So yes, this is equal to the area of post guard. ओके, क्या लिखना है, यस दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पोस्ट कार्ड. सो एरिया ऑफ द बेल्ट इज 3 सेंटीमीटर एंड वाइड स्ट्रिप इज, तो एल मल्टीप्लाई बी. तो एल कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 42 तो क्या आएगा, 126 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट है, व्हाट विल यू डू टू गेट द लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम. सो बाय मेकिंग थिनर बेल्ट आई कैन गेट लॉन्गर बेल्ट द नेक्स्ट टाइम. ओके, नेक्स्ट है पजल थ्रू अ पोस्ट कार्ड.
तो ये जो पजल है इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले एक पोस्ट कार्ड लेना है, मेक अ लाइन्स, पहले लाइन्स करो उन द पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट क्या करना है, पोस्ट कार्ड को कट करना है, और उसके बाद पोस्ट कार्ड आप कट करो, उसके बाद कट द पोस्ट कार्ड एलोंग द लाइन्स विच टच इट बॉर्डर, उसकी बॉर्डर को टच हो ऐसे आपको कट करना है। दिस विल मेक अ लूप, यू कैन पास थ्रू दैट लूप। ओके, नेक्स्ट है पीपल पीपल एवरीवेयर। ओके, तो यहाँ क्या करना है कि यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड, तो आप ये गेम ग्राउंड में खेल सकते हो। तो हाउ मैनी ऑफ, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ यू कैन सीट इन 1 स्क्वायर मीटर, तो थ्री ऑफ अस कैन सीट इन 1 स्क्वायर मीटर। ओके, कितने हम एक स्क्वायर मीटर में थ्री कितने बैठ सकते हैं, थ्री। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट, तो सिक्स, सिक्स ऑफ अस, ओके, सिक्स खड़े रह सकते हैं। विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन देयर स्क्वायर, हाउ मैनी, तो टीम बी, ओके, टीम बी है कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन देयर स्क्वायर, क्योंकि देयर आर 7 चिल्ड्रन, टीम बी हैज़ 1 चाइल्ड मोर देन टीम ए। ओके, सो यह आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ है, और दूसरी टीम है इसके अंदर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, राइट। तो टीम बी कुड मेक मोर चिल्ड्रन सिट इन देयर स्क्वेयर, दे आर 6 चिल्ड्रन, टीम बी हैज़ 1 चाइल्ड मोर देन टीम ए, टीम ए से टीम बी में एक चाइल्ड ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है मेजर द लेंथ, इसके बाद है बी नंबर का, मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर, सो द लेंथ ऑफ माई क्लासरूम इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 5 मीटर, तो एरिया ऑफ क्लासरूम, एरिया ऑफ क्लासरूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ है 8 एंड ब्रेथ है 5, तो कितना हुआ, 8 × 5 = 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास, तो अबाउट 40 स्टूडेंट। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सीट इन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इन 1 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट कैन सीट इन 1 स्क्वायर मीटर। इफ यू वॉन्ट टू मूव अराउंड इजीली, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर, तो 1 स्टूडेंट। सो कैन यू इमेजिन हाउ बिग अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 किलोमीटर इज, इट हैज़ एन एरिया ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, गेस हाउ मैनी पीपल कैन लिव ऑन इट। सो इन दिस, इफ यू वॉन्ट टू मूव अराउंड इजिली, देन हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 1 स्टूडेंट। कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि हाउ बिग अ स्क्वायर ऑफ साइड, हाउ बिग अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 किलोमीटर इज, इट हैज़ एन एरिया ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, गेस हाउ मैनी पीपल कैन लिव ऑन दैट। ओके, तो उसके अंदर कितने पीपल रह सकते हैं, तो एरिया है इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू 1 × 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर, सो अबाउट 1000 पीपल कैन लिव ऑन दैट। ओके, सो नेक्स्ट है शेर एंड लैंड, तो यहाँ नशरीना इज अ फार्मर, ये नशरीना का फार्मर है, वो वॉन्ट्स टू डिवाइड हर लैंड इक्वली एमोंग हर 3 चिल्ड्रन, वो उसके फार्म को इक्वली, उसके 3 चिल्ड्रन है, उसके 3 बच्चे हैं, चुमकी चुमरी एंड इमरान, तीनों में बेचना चाहती है। तो सी वॉन्ट्स टू डिवाइड द लैंड सो दैट ईच पीस ऑफ लैंड हैज़ 1 ट्री, तो हर लैंड लुक्स लाइक दिस। ओके, 3 ट्री है, तो वो चाहती है कि तीनों बच्चों के डिवाइड हो, इसमें 1 1 ट्री आए, तो उसको वी कैन डिवाइड द लैंड इक्वली इन 3 पार्ट्स इन द फॉलोइंग वे। ओके, तो कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो चुमकी का, इमरान का और झुमरी का, तो आपको ऐसे सेम पार्ट में डिवाइड करना है कि तीनों के पार्ट में
1 1 3 आई, तो पहला पार्ट जो चुमकी का है वो कैसे हम डिवाइड करोगे, यहाँ से, ओके, यहाँ से ऐसे डिवाइड करोगे, ओके। तो ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट है वो किसका है, चुमकी का, ओके। और ये जो पूरा पार्ट है वो किसका होगा, चुमरी का। और ये जो पार्ट है यहाँ तक, अभी ये चुमकी का है वो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक आएगा, ओके। और ये जो इमरान है, इमरान का यहाँ से यहाँ तक, ये इमरान का, ये इमरान। और ये जो पार्ट है यहाँ तक, ये पूरा किसका है, झुमरी का। और ये है वो चुमकी का। तो तीनों को पार्ट सेम डिवाइड करना है, और तीनों के पार्ट में 1 1 3 आई। तो इफ़ ईच स्क्वेयर इन दिस पेज इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर मीटर ऑफ लैंड, हाउ मच लैंड विल ईच ऑफ आवर चिल्ड्रन गेट, तो 30 स्क्वेयर मीटर, ओके। तीनों के पार्ट में कितना आएगा, तो नंबर ऑफ टोटल स्क्वेयर इन द पिक्चर 90, कितने हैं टोटल, 10 9 90। देखो, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसे 10 है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने 10 9 90, तो ईच पार्ट 30 स्क्वेयर सेंटीमीटर आएगी, ओके। सो नेक्स्ट है, कैन यू डिवाइड द लैंड, ये हमने कर लिया, आपको कलर करना है। नेक्स्ट है, इफ ईच स्क्वेयर इन दिस पेज इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर, तो हमने फाइंड कर लिया कि 30 स्क्वेयर मीटर आएगी, तो 1 10 9 90। नेक्स्ट है, चुमकी झुमरी एंड इमरान नीड वायर टू मेक अ फैंसी, उसको ऐसे वायर की फेंसिस बनानी है, तो वो विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फैंसी, तो चुमकी एंड झुमरी नीड टू लॉन्गेस्ट वायर, ओके। चुमकी और झुमरी, क्योंकि चुमरी चुमकी और झुमकी का जो है दोनों साइड उसका है, तो उसको ज़्यादा वायर चाहिए। तो पैरामीटर ऑफ चुमकीज लैंड, तो चुमकी का 1 साइड का 9, ओके, ऊपर की साइड देखो तो 2, बाकी 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, यानी कि 26 मीटर वायर उसको चाहिए। और झुमरी को 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3, उसको 26 मीटर चाहिए। एंड इमरान है, इमरान को 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, ओके, तो उसको 24 मीटर चाहिए, ओके। तो हाउ मच वायर इज विल देयर नीड, तो 76 मीटर टोटल, तीनों का जो एडिशन करो तो टोटल कितने हुए, 76, 26 प्लस 26 प्लस 24, तो 76 मीटर वायर फेंसिंग करने के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम, तो इसके अंदर हैंडकरचीफ, उसको स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर एंड स्क्वायर किलोमीटर, तो हैंडकरचीफ है, लुक, आपको क्या करना है, टेबल है, एंड एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस विच कॉलम वुड यू चूज, मेक अ राइट। तो हैंडकरचीफ है वो स्क्वायर होता है, तो इसको स्क्वायर में राइट करना है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब साड़ी है, तो साड़ी का किस में आएगा, साड़ी मीटर में होती है, तो स्क्वायर इन मीटर। एंड पेज ऑफ योर बुक, तो वो भी स्मॉल होता है, तो ये आपको सेंटीमीटर में करना है। स्कूल की लैंड है, वो भी मीटर में होती है, तो यहाँ राइट करना है। टोटल लैंड ऑफ सिटी, तो वो बड़ा होता है, किलोमीटर में होता है, तो आपको वहाँ राइट करना है। डोर ऑफ योर क्लासरूम, तो क्लासरूम का डोर मीटर में होता है। अब चेयर सीट, तो वो सेंटीमीटर में होता है। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड, तो मीटर में होता है। इंडियन फ्लैग, तो वो सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है लैंड ओवर विच रिवर फ्लो, तो वो भी किस में होता है, किलोमीटर में, तो आपको किलोमीटर में राइट करना है, ओके। यहाँ हम पेज नंबर 153 पर कंप्लीट करते हैं, आगे के वीडियो बाद में देखेंगे। थैंक